कचरे वाला तो गाइजर हम निकल चुके हैं वापस से अपनी जॉब पे, अपने काम पे। हम यार लोगों का कचरा जमा करते हैं, तो अभी हम निकल चुके हैं। यहाँ पे एक घर है जो कि हमको रोज कचरा देते हैं। मैं जितने ज्यादा कचरा जमा करूंगा उतना ज्यादा मुझे पैसा मिलने वाला है। तो अभी फटाफट से अपन चलते हैं। यहाँ पे सामने वो खड़े जिनसे हम कचरा लेते रोज के रोज। कचरे वाला फटाफट से कचरा दे दो। शिनचैन फटाफट से कचरा उठा के लेके आओ। ऐसी फेंकी मैं क्यों लेके आप लेके आओ? अबे लेके आना यार, पिछली बार मैं गया था। ऐसी नहीं फेंकी मैं नहीं जा रहा है। और यार शिनचैन भी बहुत नाटक करता है यार। रुको यार, मुझे ही जाके कचरा लेके आना पड़ेगा। अरे मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। अरे आज कचरा नहीं है, एक कचरे वाला आया था वो लेके चला गया। क्या कचरा नहीं है? अरे ये तो सारा का सारा खाली है, कौन लेके चला गया? अरे एक और कचरे वाला आया था तुमसे पहले, वो लेके चला गया। अरे यार कौन आ गया भाई यार, मेरे से पहले लेके चला गया? अरे यार मुझे भी पैसे चाहिए थे, अब मुझे और कहीं पे जाके कचरा ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे हमेशा वैसे बहुत ज्यादा कचरा मिल जाता है, इसलिए मैं पहले इधर ही गया था। चलो कोई बात नहीं, अभी अपन दूसरे घर जाने वाले, यहाँ पे तो पक्का हमें कचरा मिल ही जाएगा। फटाफट से अंदर चलते हैं। अरे यहाँ पे कितने लोग खड़े रहते हैं। तो गाइस यार अभी अपन यहाँ पे फटाफट से चलते हैं और सारा का सारा कचरा लेके आते हैं। तभी हमको पैसा मिलेगा, तभी हम खाना खा पाएंगे और अपने जो घर है उसका रेंट दे पाएंगे। वैसे वो घर नहीं, वो रूम ही है एक, उसमें हम रहते हैं शिनचैन में। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके और सामने ही खड़े फटाफट से कचरा मांगे शिनचैन। ऐसी फेंकी भी आज मैं थका हुआ हूं, मैं कुछ काम नहीं करूंगा। अबे ऐसे कैसे काम नहीं करेगा तू, सारा काम मैं तो करूंगा। ऐसी फेंकी भी आप ही कर लो ना। अरे सर आपके पास कचरा है क्या लेके जाने के लिए? हाँ हमारे पास बहुत ही सारा कचरा है, तुमको मैं देता हूँ। रुको। है सही में बहुत सारा कचरा है? अरे हाँ दे दो। उससे पहले क्या तुम एक काम करोगे, क्या तुम्हें गाड़ी ठीक करना आती है? गाड़ी मतलब? हाँ ऐसे आती तो है। हमारी ये गाड़ी खराब हो गई, हमें बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, क्या तुम हमारी गाड़ी ठीक कर दोगे? हैं ये वाली गाड़ी यार, ये तो बहुत महंगी गाड़ी लग रही है, अगर कुछ खराब हो गया तो। अरे कोई बात नहीं तुम ठीक तो करो। अच्छा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। मैंने यार बहुत बार यार गाड़ियां तो बनाई है, चलो यार इसको ट्राई करते हैं। पहले मैं यहाँ से चालू करने की कोशिश करता हूँ और ये चालू हो जा। अरे यार ये तो चालू ही नहीं हो रही। अबे चालू हो जा। अरे यार लगता है कुछ यार अंदर ही दिक्कत है। ये रुको यार, मेरे को पीछे ढंग से चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करूं? शिनचैन 2 मिनट देना। एनी वे कि मैं नहीं आ रहा है। एक तो शिनचैन कुछ भी बात नहीं मानता है। सुनो मुझे लगता है इसके साइलेंसर में कुछ दिक्कत है, तो मेरे को उधर चेक करना पड़ेगा। अरे हाँ जो करना है करो, बस इसको कैसे भी करके ठीक कर दो। अच्छा चलो ठीक है, फटाफट से मैं देख लेता हूं। तो गाइस यार यहां पे मुझे लग रहा है दिक्कत है। अरे हाँ मुझे लगा ही था, यहां पे बहुत सारा कचरा फंस गया। इसको फटाफट से सारे कचरे को निकाल देते, फिर ये गाड़ी वापस से पहले जैसी हो जाएगी। और यार कितना सारा कचरा, और इस वायर को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ और इसको निकाल के इधर जोड़ देते हैं। और ये मैंने अभी ठीक कर दिया है। चलो यार थोड़ा सा गाड़ी पहले चला के ट्राई कर लेते हैं कि ये गाड़ी वापस से चल रही है कि नहीं। तो गाइस यार फटाफट से इसके अंदर बैठ जाते हैं। और ये गाड़ी क्या चल रही है? अरे चलने लग गई। अरे वाह तुमने तो बहुत ही बढ़िया काम किया। अरे थैंक यू। अरे इसको बाहर निकाल दो गाड़ी को। अरे हाँ मैं निकालता हूँ। ये लो यार आपकी गाड़ी बिल्कुल सही हो चुकी है। अरे यार तुमने तो हमारी मीटिंग बचा ली यार, वरना आज हमारे करोड़ों का नुकसान हो जाता। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं अब मुझे कचरा तो मिलेगा। अरे कचरा छोड़ो, हम तुम्हें देने वाले पूरे के पूरे 100 मिलियन डॉलर्स। हैं? अरे मजाक मत करो यार, कचरा दे दो मुझे। 100 मिलियन डॉलर सामने देखो तुम्हारे सामने। कहाँ सामने? अरे मतलब पीछे देखो। अरे कहाँ पीछे? अरे ये क्या है? अबे इतने सारे पैसे नकली है ना, मेरे को पागल बना रहे हो। अरे नहीं बिल्कुल असली पैसे। तुमको पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक यूट्यूबर, मेरे 200 मिलियन सब्सक्राइबर है और ये सारे के सारे कैमरामैन तुम्हें रिकॉर्ड कर रहे थे और तुम्हें मिलते हैं 100 मिलियन डॉलर्स। सही में ये कैमरामैन कहाँ से है? अरे वो देखो छत के ऊपर भी कैमरामैन है। और ये तो मैंने देखा नहीं था, तो मतलब मुझे 100 मिलियन डॉलर मिलते हैं? अरे हाँ तुम्हें ही मिलेंगे 100 मिलियन डॉलर, तुमने मेरी मदद करी इसलिए हम तुम्हें 100 मिलियन डॉलर देंगे। हम अच्छे इंसानों की मदद करते हैं। मतलब मैं ले जाऊंगी पैसे? अरे हाँ, और ये जो तुमने गाड़ी ठीक करी ना इसको भी ले जाओ, ये वैसे खराब हमने करी थी। अरे थैंक यू। अरे भाई मुझे गाड़ी भी मिल गई और 100 मिलियन डॉलर भी मिल गए। अरे अंकल हट जाओ। तो गाइस यार अभी हम इन सारे के सारे पैसों को लेकर जा रहे हैं, मतलब ये सारे के सारे आज से मेरे हो चुके हैं। ऐसी फेंकी अब तो मजे के बाद पार्टी करेंगे। अबे तेरे को क्यों पार्टी करेंगे, तू तो कुछ काम भी नहीं करता था, मैंने सारा काम किया। ऐसी फेंकी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? अच्छा चल ठीक है, तू भी पार्टी कर लिया। तो गाइस यार अभी हम जा रहे हैं सारा का सारा पैसा लेके, अब तो बहुत ज्यादा मजा आने वाले। अब तो मैं एक पैसे सबसे पहले नया घर लूंगा, कपड़े लूंगा, खाना लूंगा, बहुत सारी चीजें लूंगा, मजा आएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने एक गरीब से आदमी को बहुत सारे पैसे देके उसको बहुत ज्यादा अमीर बना दिया। अब वो रोज रोज नए नए घर ले रहा है, उसके सारे के सारे शौक पूरे हो रहे हैं। उसने नया हेलीकॉप्टर ले लिया, उसने नई गाड़ी ले ली, हमने उसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर दी है। और हम आपकी भी लाइफ चेंज करेंगे अगर आप जाके फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।
एनीवे की भी आपको प्लेन कब से चलाना है क्या? अबे मेरे को सब आता है भाई, मेरे को सब की सब चीज आती है। तो गाइस अभी हम आ चुके अपने प्राइवेट आइलैंड पे, मतलब मैंने खरीदा नहीं क्योंकि इतने पैसे नहीं थे, मैंने यार रेंट पे लिए पूरे के पूरे 2 साल के लिए। मतलब 2 साल तक हम इस प्राइवेट आइलैंड पे रहने वाले और हमारे यार गोल्डन प्लेन में हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये प्लेन को फटाफट से अपन रोक देते हैं यहाँ पे। तो गाइस इस वाले आइलैंड पे यार बहुत सारी चीजें अभी आपको सब की सब चीजें दिखाने वाला जो कि हमने अभी अभी लिया है। पहले तो हमारी यहाँ पे गाड़ी भी पहले से खड़ी है जो कि हमको आइलैंड में हम घूमने निकलने वाले हैं। चिंचन फटाफट से बैठ। अरे वेकी भी तो बुगाटी है। अरे हाँ यार ये तो नॉर्मल सी गाड़ी, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइस चलो मैं आपको दिखाता हूँ अपना पूरा का पूरा आइलैंड। ये यहाँ पे पहले तो अपना प्राइवेट एयरपोर्ट है, यहाँ पे सिर्फ अपन ही आ सकते हैं और यहाँ से अपना शुरू होता है आइलैंड। अरे थोड़ी धीरे चलानी पड़ेगी। ये देख सकते हो भाई यहाँ पे पेड़ पौधे कितने ज्यादा और ये समुद्र के बीचों बीच है। और हम आ चुके अपने घर पर। इस आइलैंड पे हमारा ये बहुत ज्यादा बड़ा वाला घर है, मतलब महल जितना बड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे घरों को मिला के एक ही घर बना दिया, सबका रास्ता एक जैसा कर दिया। ये देख सकते हो भाई यहाँ पे कितने ज्यादा पेड़ है यार। मुझे हमेशा से ऐसा ही चीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली और बहुत ज्यादा बढ़िया है और सामने पूरा ओशन का व्यू भी आता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। आप देख सकते हो यार यहाँ पे कितने ज्यादा पेड़ है और ये सारा का सारा एरिया हमारा है। ये है पूरा का पूरा व्यू जहाँ पे हम 2 साल तक अब यहाँ पे रहने वाले हैं, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है। और ये आइलैंड तो और भी ज्यादा बड़ा है, मतलब हर जगह ये फैला हुआ है। यहाँ पे पहाड़ है, पेड़ है, पानी है, सब की सब चीजें अभी आपको धीरे धीरे सबका सब मैं दिखाने वाला हूँ। और यार ये मैंने विंटेज कार भी ली थी पूरी पूरे $3 मिलियन की, ये बहुत ज्यादा खतरनाक कार है। और गाइस अभी आपको दिखाता हूँ हमारा ओशन व्यू। पहली बात तो हमारे यहाँ पे स्विमिंग पूल भी इतना मस्त है, मतलब आइलैंड पे हमने स्विमिंग पूल बना हुआ रखा है। अभी यहाँ पे अपन फटाफट से चलते हैं और मेरे कपड़े गीले हो चुके हैं, पर कोई बात नहीं, हमारे पास कपड़ों की भी कमी नहीं है। तो अभी आपको दिखाता हूँ जो हमारा ओशन व्यू। ये देख सकते हो सामने पूरा का पूरा समुंदर है और यहाँ पे हमारी बालकनी पे आराम से यहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हैं और सामने ओशन का व्यू ले सकते हैं और यहाँ पे सनसेट भी होता है बहुत ही बढ़िया वाला। और गाइस हमारे पास खुद का डॉग भी है, मतलब जहाँ पे सारे सारी बोट्स वोट्स आती है। ये देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे ढंग से बना रखा है। अभी आपको यार दिखाता हूँ और ये पानी देखो भाई कितना ज्यादा साफ है। और ये आयरन मतलब बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं आपको एक बारी में तो पूरा मैं दिखा भी नहीं सकता, एक पूरी वीडियो लगेगी इसको यार पूरा आइलैंड को दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हो यार कितना ज्यादा खतरनाक है। और मैं आपको यार अभी अपनी फेवरेट जगह लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे हम करने वाले हैं अपनी पार्टीज, मतलब वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और आइलैंड पे आए तो पार्टी करना तो बनता है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपनी रेनबो लैम्बोर्गिनी में। ये भी मैंने यार अभी खरीदी थी, बहुत ही ज्यादा महंगी है। और ये हमारा पार्टी एरिया, ये देख सकते हो भाई बीच पे, मतलब ये क्या ही कर रखा है, बहुत ज्यादा तगड़ा वाला व्यू है यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा का पूरा यार रेस्टोरेंट बाहर सबका सब बना रखा है जहाँ पे फुल तगड़ी वाली पार्टी कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे टेंट भी बने, मतलब यार रात को बीच पे सोने का तो अलग ही मजा है। तो गाइस आप देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक है। तो फटाफट से कमेंट बता दो हमारा आइलैंड आपको कैसा लगा। और भी बहुत सारी चीजें, पर जो मेन मेन चीजें थी वो मैंने आपको दिखा दी है। और मैंने बहुत सारी गाड़ियां और कंपनीज भी खरीदी है जहां से हमें और भी पैसे मिल सके। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छी वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो और ये आइलैंड कैसा लगा फटाफट से मुझे कमेंट में बता देना। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके जनरल फॉलो कर लेना, वहां पे बैठ के मस्त मस्त बात करेंगे। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।